डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बच्चों, ये क्लास सिक्स का सोशल साइंस बुक है, चैप्टर वन है, ये ज्योग्राफी का चैप्टर वन है और इसका शॉर्ट आंसर मैं आप लोगों को इसके पिछले वीडियो में दे चुका हूँ और आज हम लोग इसका लॉन्ग आंसर को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं उसमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर है इसका क्वेश्चन और इसमें फोर नंबर का क्वेश्चन जो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, तो ये भी बाकी है और ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो है ये भी बाकी है। तो सबसे फर्स्ट में दिया हुआ है व्हाट आर प्लैनेट्स, तो प्लैनेट्स किसे कहते हैं, ग्रह किसे कहते हैं। तो आपको यहाँ पे स्क्रीन में ही मैं आंसर दे दे रहा हूँ। ये है क्वेश्चन नंबर वन का आंसर, व्हाट आर प्लैनेट्स। द प्लैनेट्स आर सेलेस्टियल बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन, दे हैव नो हीट और लाइट ऑफ देयर ओन। क्वेश्चन नंबर टू, यहाँ पे दिया हुआ है व्हाई इज़ द अर्थ कॉल्ड ए ब्लू प्लैनेट, पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है। द अर्थ अपीयर्स ब्लू फ्रॉम स्पेस बिकॉज इट कवर्स 71% विथ वाटर, देयरफॉर द अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। पृथ्वी स्पेस से ब्लू दिखाई देता है क्योंकि इसका 71% भाग जो है पानी से ढका हुआ है, इसीलिए पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट इज ग्रेट बियर और द सप्तऋषि मंडल। ग्रेट बियर या सप्तऋषि मंडल, ग्रेट बियर को ही सप्तऋषि मंडल हिंदी में कहते हैं, तो किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं, ये है इसका आंसर, द ग्रेट बियर और सप्तऋषि मंडल इज ए ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग ए डिफिनिट पैटर्न कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन मतलब होता है नक्षत्र और ये स्टार का एक निश्चित ग्रुप होता है, उसी को कहा जाता है, उसी में से एक ग्रेट बियर जिसे सप्तऋषि मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट इज मीन्ड बाय सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम किसे कहते हैं। तो ये आसान क्वेश्चन है, द सोलर सिस्टम कंसिस्ट द सन टुगेदर द एट प्लैनेट्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज दैट आर बाउंड बाय इट्स ग्रेविटी। तो इसी को सोलर सिस्टम कहते हैं, सन और उसके प्लैनेट्स हैं और उसके और अदर सेलेस्टियल बॉडी जो है जो सभी उसके साथ बने हुए हैं, घिरे हुए हैं, उसी को सोलर सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी टू ड्रॉप प्लैनेट्स, दो ड्रॉप प्लैनेट, ड्रॉप्ड मतलब बौना प्लैनेट जिसको कहा जाता है, तो उसका दो नाम लिखना है और इसका आंसर है टू ड्रॉप प्लैनेट्स आर प्लूटो एंड आइरिस। उसके बाद आ रहा है लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहले दिया हुआ है नेम द एट प्लैनेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर साइज, आठ प्लैनेट्स का नाम बतलाना है और उसके साइज के अनुसार बतलाना है, जो सबसे बड़ा है उसको सबसे पहले दिखाना है इस तरह से। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो दिया हुआ है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, देयर आर एट प्लैनेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर साइज, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, यूरेनस, अर्थ, वीनस, मार्स एंड मरकरी। तो चैप्टर में भी दिया हुआ है कि हमारा अर्थ जो है वो साइज के अनुसार से पाँचवें नंबर पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर स्टार्स डिफरेंट फ्रॉम प्लैनेट्स, तो स्टार और प्लैनेट्स में डिफरेंट बतलाने के लिए कहा गया है। इस प्रकार से हम लोग इसको डिफरेंट बतला सकते हैं, देर आर मैनी डिफरेंसेस बिटवीन स्टार्स एंड प्लैनेट्स। तो स्टार्स के बारे में यहाँ पे बतलाया गया है और प्लैनेट्स के बारे में यहाँ पे बतलाया गया है। स्टार्स जनरेट देयर ओन हीट एंड लाइट, उसका अपना प्रकाश और हीट होता है, गर्मी होता है। प्लैनेट्स हैव नो हीट एंड लाइट ऑफ इट्स ओन, और प्लैनेट का अपना हीट नहीं होता, अपना लाइट नहीं होता। और इसके आगे दिया हुआ है स्टार्स डू नॉट रिवॉल्व अराउंड एनी हेवनली बॉडी, वो किसी भी आकाशीय पिंड का वो परिक्रमण नहीं करता है। प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द स्टार, और प्लैनेट जो होता है किसी स्टार का रिवॉल्व करता है, उसका परिक्रमण करता है। स्टार्स हैव वेरी हाई टेम्परेचर्स ड्यू टू न्यूक्लियर रिएक्शन, स्टार्स में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, उसका हाई टेम्परेचर होता है न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से। और प्लैनेट्स हैव लो टेम्परेचर, प्लैनेट्स में अपना हीट या लाइट नहीं होता है जिसकी वजह से उसमें टेम्परेचर बहुत कम होता है। विच दे ऑब्जर्व द नियरेस्ट स्टार, उसके नियरेस्ट मतलब उसके नज़दीक जो स्टार होता है उससे जो उसको गर्मी मिलती है वही टेम्परेचर उसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाई इज द अर्थ कॉल्ड ए यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, मेंशन एनी थ्री पॉइंट्स, पृथ्वी को एक अनोखा ग्रह क्यों कहा जाता है और इसके बारे में तीन पॉइंट्स बतलाना। तो आइए देखते हैं, द अर्थ इज ए यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, देयर आर फॉलोइंग रीजंस बिहाइंड दिस,
पृथ्वी को अनोखा ग्रह कहा जाता है सोलर सिस्टम का, तो इसके पीछे ये सब रीज़न है। डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सूर्य से इसकी दूरी। द अर्थ इज़ एट फेवरेबल डिस्टेंस फ्रॉम द सन, तो सूर्य से इसकी दूरी जो है बहुत ही अनुकूल दूरी है। इट इज़ नैदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, ना तो ये ज़्यादा गर्म होता है और ना ही ज़्यादा ठंडा होता है। परसेंस ऑफ ऑक्सीजन, द अर्थ इज सराउंडेड बाई 21% ऑक्सीजन विच सस्टेन्स लाइफ ऑन इट, इसमें 21% ऑक्सीजन है जो कि जीवन के लिए उपयुक्त है। परसेंस ऑफ एटमोसफेयर, और यहाँ पे वातावरण की मौजूदगी है, वातावरण यहाँ पे अवेलेबल है। द एटमोसफेयर एक्ट्स एज ए ब्लैंकेट बाय प्रिवेंटिंग हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन, एटमोसफेयर जो है वो सन से एक अल्ट्रावायलेट रेज जो आता है पराबैंगनी किरणें, उसको रोकता है और किसी भी तरह की हानि क्षति नहीं पहुँचने देता। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द मून, मून के बारे में एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए कहा गया है। द मून इज अबाउट 384,400 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, मून पृथ्वी से इतनी दूरी पर है। इट इज नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, यह पृथ्वी का नेचुरल उपग्रह है। इट हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन, इसमें अपनी कोई प्रकाश नहीं है। द मून डज नॉट हैव एनी वाटर और एटमोसफियर, ना तो उसमें पानी है और ना ही वातावरण है। इट टेक्स अबाउट 27 डेज टू कम्प्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ, वो पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन लगाता है। इट टेक्स द सेम टाइम टू कम्प्लीट वन रोटेशन एज वेल एज वन रेवोल्यूशन, मून रेवोल्यूशन में जितना समय लगाता है रोटेशन में भी उतना ही समय लगाता है, मतलब दोनों चीज़ें करने में, स्पिनिंग करने में और रेवोल्यूशन करने में वो सेम टाइम लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ब्रीफली डिस्क्राइब द 8 प्लैनेट्स एंड देयर सैटेलाइट्स, संक्षिप्त रूप में 8 प्लैनेट के बारे में और उसके सैटेलाइट्स के बारे में बतलाना है। इसका आंसर थोड़ा सा लंबा होगा, अगर 8 प्लैनेट के बारे में थोड़ा थोड़ा भी लिखें तो वो थोड़ा सा लंबा ही हो जाएगा। आइए देखते हैं इसका आंसर। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, तो हमारे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह हैं। दिस आर, ये सब हैं मरकरी, मरकरी इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में मरकरी सबसे छोटा प्लैनेट है। इट इज़ क्लोजेस्ट टू द सन, इट हैज़ नो मून, यह सन के सबसे नज़दीक है और इसमें कोई भी मून नहीं है, कोई इसका सैटेलाइट नहीं है। सेकेंड नंबर में वीनस आता है, वीनस इज़ द सेकेंड प्लैनेट फ्रॉम द सन। इट इज़ नोन एज द मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, इट हैज़ नो मून, तो यह मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है और इसमें कोई भी मून नहीं है। और थर्ड नंबर में हमारी पृथ्वी आती है, अर्थ, द अर्थ इज़ ए यूनिक प्लैनेट वेयर लाइफ इज पॉसिबल, तो पृथ्वी एक अनोखा ग्रह है जिसमें जीवन संभव है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट बिकॉज ऑफ मोस्टली कवर्ड विथ वाटर, यह ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह ज़्यादातर पानी से ढका हुआ है। द मून इज़ द ओनली सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, तो पृथ्वी का सिर्फ एक ही मून है जिसका नाम मून है, यही इसका एक सैटेलाइट है। और फोर्थ नंबर में मार्स आता है, मार्स इज़ अबाउट हाफ द साइज ऑफ द अर्थ, तो मार्स का साइज जो है वो पृथ्वी से आधा है, लगभग आधा। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द रेड प्लैनेट, और इसको रेड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। इट हैज़ टू मून्स, इसमें दो मून हैं। जुपिटर, फाइव नंबर में जुपिटर आता है, जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट, यह सबसे बड़ा प्लैनेट है। इट हैज़ 67 मून्स, रेफर टू एज द मिनी सोलर सिस्टम, और इसमें बहुत सारे 67 मून्स हैं और ऐसा लगता है कि इसमें ही एक मिनी सोलर सिस्टम चलता है इस तरह से। इसके बाद सिक्स नंबर में सैटर्न आता है, सैटर्न इज़ ए ब्यूटीफुल प्लैनेट हैज़ ए ब्राइट रिंग्स, सैटर्न को हमारे सोलर सिस्टम में सबसे सुंदर ग्रह माना जाता है क्योंकि इसमें एक चमकता हुआ रिंग है, रिंग दिखाई देता है। इट हैज़ 62 मून्स, और इसमें भी बहुत सारे मून्स हैं, 62 मून्स हैं। यूरेनस, उसके बाद सेवन नंबर में यूरेनस आता है, यूरेनस वाज डिस्कवर्ड इन 1781, इसका खोज किया गया था 1781 ईस्वी में। इट हैज़ 27 मून्स, इट हैज़ ऑल्सो रिंग्स, इसमें भी रिंग्स होता है और 27 मून्स इसमें हैं। और लास्ट प्लैनेट है नेपच्यून, नेपच्यून इज़ सिमिलर टू यूरेनस इन साइज एंड स्ट्रक्चर, तो नेपच्यून जो है यूरेनस की तरह ही उतना ही बड़ा और बनावट में भी वैसा ही है। इट हैज़ 13 मून्स, और इसमें 13 मून है, तो इस तरह से हम लोग इसका आंसर कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्क्राइब एस्टेरॉइड्स, मेट्रोर्स, मेट्रोराइड्स एंड कमेट्स। तो इन सब के बारे में डिस्क्राइब करने के लिए कहा गया है, मतलब इसके बारे में बतलाना है, इसको डिफाइन करना है। यहाँ पे इन सब के बारे में डिफाइन किया गया है, एस्टेरॉइड्स है थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स जो है मार्स और जुपिटर के बीच में ये सन का रिवॉल्व करता है, उसी को एस्टेरॉइड्स कहते हैं। मेट्रोस, मेट्रोस आर स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स एंड डस्ट दैट बर्न व्हेन दे इंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर। मेट्रोस चट्टान का एक छोटा टुकड़ा होता है और यह जैसे ही पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में इंटर करता है वैसे ही वह जलता हुआ हमें दिखाई देता है, हमें लगता है कि कोई टूटता हुआ तारा है। मेट्रोराइड्स आर द अनबर्न पार्ट ऑफ मेट्रोस दैट फॉल ऑन द अर्थ। तो ये जो है मेट्रोस का अनबर्न मतलब जो नहीं जल पाता है वह भाग रहता है और कभी कभी यह पृथ्वी पर गिर भी जाता है। उसके बाद अंत में दिया हुआ है कॉमेट्स, कॉमेट्स आर ह्यूज लम्प्स ऑफ स्नो एंड रॉकी डस्ट दैट स्टार्ट ग्रोइंग एंड डेवलप ए टेल व्हेन दे अप्रोच द सन। कॉमेट जिसको धूमकेतु कहते हैं और इसमें एक पूंछ जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसको पुच्छल तारा भी कहा जाता है और ये बहुत लंबे समय के अंतराल में दिखाई पड़ता है, लगभग 76 ईयर्स बाद ये दिखाई देता है एक बार। तो यहाँ पे यह चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो गया है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो हेल्पफुल होता है, आप लोगों को हमारी वीडियो से मदद मिलता है, तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो नेक्स्ट चैप्टर को स्टडी करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर चलते हैं।